Morning, Srini. So today we are going to start our new chapter, chapter number 15, polygons. Okay? So chapter number 15, polygon की हम study करने वाले हैं बेटा आज के lecture के अंदर. So सबसे पहले हम polygon को समझने से पहले हम कुछ terms समझ लेंगे, ठीक है, कि किस तरीके से straight line formation होता है. Straight line किसे कहते हैं? Okay? So closed surface किसे कहते हैं? Simple closed surface किसे कहते हैं? ठीक है, इस तरीके की कुछ जो हमारे टर्म्स हैं उनको हम पहले समझ लें ताकि हमारी जो ज्योमेट्री है वो आसान हो जाए. ठीक है, किस तरीके से स्ट्रेट लाइन, बेटा स्ट्रेट लाइन से हम क्या समझते हैं? स्ट्रेट लाइन हमें कब मिलता है? स्ट्रेट लाइन क्या होता है? सो व्हेन वी मूव अ पेंसिल ऑन द स्ट्रेट एज ऑफ अ रूलर वी गेट अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, जैसे ही की हेल्प से स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन करेंगे बेटा, कैसे करते हैं? हम रूलर प्लेस करते हैं एंड रूलर प्लेस करके रूलर का जो हमारा एक एज है जहाँ जीरो लिखा रहता है, उस जीरो पॉइंट से हम पेंसिल को अगर स्ट्रेट मूव करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है? वी गेट अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, लाइक दिस. ठीक है, ये क्या है बेटा? हमारी एक स्ट्रेट लाइन है. ओके, सो इसको नेम हम दे देंगे ए एंड बी. क्लियर, समझ में आ गई चीज? स्ट्रेट लाइन बेटा हम समझ में आ गया. स्ट्रेट लाइन हमने एंगल्स एंड इट्स मेजरमेंट में हमने पढ़ा है कि स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री का होता है. तो स्ट्रेट लाइन जो है वो 180 डिग्री का होता है. ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म क्या बेटा? नेक्स्ट टर्म है क्लोज फिगर. क्लोज फिगर किसे कहते हैं बेटा? तो क्लोज फिगर का मतलब क्या होता है? क्लोज फिगर में जो हमारी स्टार्टिंग पॉइंट होती है, ठीक है, वो स्टार्टिंग पॉइंट और जो एंडिंग पॉइंट है, मतलब एक स्टार्टिंग पॉइंट से मैंने कोई लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट किया और मैं उसको एंड भी उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे कर रही हूँ, तो हमारे पास जो फिगर आएगा बेटा वो फिगर क्या आएगा? क्लोज फिगर आएगा. ठीक है, किस तरीके से? जैसे यहाँ देखिए, अ फिगर विच बिगिन्स एंड एंड एट द सेम पॉइंट. ठीक है, जिसकी शुरुआत और इसका एंड ये दोनों ही इसी किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट पे हो तो हमारे पास हमें कौन सा फिगर मिलता है? हमें एक क्लोज फिगर मिलता है. लेकिन अगर मैं सर्कल बनाना स्टार्ट करूँ, है ना, सो देखिए बेटा, इस पॉइंट से मैंने स्टार्ट किया और इस पॉइंट से स्टार्ट करके मैंने इसका एंड भी इसी पॉइंट पे किया. ठीक है, मतलब स्टार्ट मैंने इसी पॉइंट से किया था और इसका एंड भी मैंने इसी पॉइंट पे किया. ठीक है, तो ये जो फिगर मुझे मिला, ये फिगर बेटा कैसा मिला हमें? क्लोज्ड फिगर मिला. ठीक है, समझ में आ गई चीज? क्लोज फिगर किसे कहते हैं? क्लोज फिगर का मतलब क्या होता है बेटा? क्लोज फिगर का, अब जैसे सपोज मैंने स्टार्टिंग ट्रायंगल बनाने की, इस पॉइंट से मैंने स्टार्टिंग की थी ट्रायंगल बनाने की, एंड देन मैं इसको मूव करवाते हुए इसकी एंड भी इसी पॉइंट पे कर रही हूँ. ठीक है, तो मेरे स्टार्टिंग और मेरी एंडिंग ये दोनों ही एक सेम पॉइंट पे हो रही है, तो हमारे को जो फिगर मिल रहा है वो कैसा फिगर मिलेगा? क्लोज फिगर मिलेगा. तो क्लोज फिगर का मतलब क्या होता है बेटा? जब स्टार्टिंग पॉइंट एक ऐसा फिगर जिसके स्टार्टिंग पॉइंट और जिसकी एंडिंग पॉइंट सेम हो, ठीक है, कॉमन हो, तो हम उसे क्या बोलेंगे? वैसे फिगर को हम क्लोज फिगर कहते हैं. ओके, देन उसके बाद बेटा सिंपल क्लोज फिगर किसे कहते हैं? ठीक है, क्लोज फिगर तो हमने समझ लिया, बट सिंपल क्लोज फिगर किसे कहते हैं? तो बेटा यहां पे जैसे मैंने जो एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है, तो ये जो ट्रायंगल है ये क्लोज फिगर है बिकॉज इसकी स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, और जो इसकी एंडिंग पॉइंट है ये दोनों सेम है, तो ये क्लोज फिगर है. बट क्लोज फिगर में भी ये सिंपल क्लोज फिगर है. सिंपल क्लोज फिगर क्यों है? क्योंकि ये जो क्लोज फिगर है ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, एक दूसरे को ये काटती हुई नहीं जा रही है, ठीक है, इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, इसीलिए ये फिगर कैसा है? ये क्लोज्ड भी है और सिंपल भी है. ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं दूसरा फिगर बनाऊं, लाइक मैं इस तरीके का कोई फिगर बनाऊं, ठीक है, इस तरीके का कोई मैंने फिगर बनाया, अब बेटा ये जो फिगर है इसमें आप देख रहे हैं कि ये क्लोज फिगर तो है, बट यहां पे ये लाइन और ये दूसरी लाइन, ये दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट पे क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है. ठीक है, एक दूसरे को ये इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है. उसके बाद यहां पे आप देख रहे हैं कि ये क्लोज फिगर तो है, बट यहाँ पे ये सिंपल क्लोज फिगर नहीं है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, इस फिगर के अंदर जो फिगर बनाया गया उस फिगर में जो लाइंस हैं उन लाइंस ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया. ठीक है, तो जब लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए जाए तो वो क्या बन जाता है? वो एक सिंपल क्लोज फिगर नहीं रहता है. ठीक है, क्लियर? सो सिंपल क्लोज फिगर समझ में आया? अ क्लोज फिगर
विच डू नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ, ठीक है, एक ऐसा फिगर जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे, तो वो फिगर हमारा क्लोज फिगर कहलाता है। क्लियर है, समझ में आ गई चीज? बट ये जो हमारा है ये सिंपल क्लोज फिगर है, सिंपल क्लोज फिगर है, बट ये फिगर सिंपल नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर। उसके बाद देखिए ओपन फिगर किसे कहते हैं, तो ओपन फिगर का मतलब क्या होता है? ओपन फिगर तब बनता है जब उसकी स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट एक नहीं हो, ठीक है, समझ में आ रही चीज? जैसे क्लोज फिगर कब बनता है बेटा, क्लोज फिगर तब बनता है जब हमारी स्टार्टिंग पॉइंट और उसकी एंडिंग पॉइंट दोनों ही एक पॉइंट पे आके वो स्टॉप हो जाए, मतलब उनकी जो स्टार्टिंग है और जो उनकी एंडिंग है वो दोनों एक ही पॉइंट पे आए, ठीक है। ओपन फिगर किसे कहते हैं? तो ओपन फिगर में बेटा क्या होता है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है और जो एंड पॉइंट है वो सेम पॉइंट पे नहीं होता है, ठीक है। लाइक मैंने यहाँ पे देखिए डिफाइन कैसे करेंगे, अ फिगर विच डू नॉट एंड एट द सेम पॉइंट, ठीक है, ऐसा फिगर जिसका एंड उसी पॉइंट पे ना हो, ठीक है। जैसे मैं एक यहाँ पे स्टार्टिंग कर, यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ कर रही हूँ, लाइक मैंने स्टार्टिंग यहाँ से किया है, ठीक है, किसी भी फिगर को बनाने के लिए। अब मैं इस तरीके से स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है, और मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट तो मेरी यहाँ पे थी, बट एंडिंग पॉइंट कहाँ है? यहाँ है, ये स्टार्ट हुआ था यहाँ से और एंड कहाँ हुआ? यहाँ पे, ठीक है। तो क्या ये हमारे पास क्लोज्ड फिगर कहलाएगा? क्या इसे हम क्लोज फिगर कहेंगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे क्लोज फिगर। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि इसकी स्टार्टिंग और एंड पॉइंट दोनों ही अलग अलग जगह है, ठीक है। तो ये हमारा कैसा फिगर बन जाएगा? ये हमारा ओपन फिगर बन जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे हमने तीन चीजें सीखी बेटा, चार चीजें सीखी। स्ट्रेट लाइन किसे कहते हैं? स्ट्रेट लाइन हम रूलर की हेल्प से हम स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन करते हैं। क्लोज फिगर की बात करें तो क्लोज फिगर वो फिगर होता है बेटा जिसकी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों ही सेम हो, ठीक है। उसके बाद सिंपल क्लोज फिगर किसको कहते हैं? तो सिंपल क्लोज फिगर के अंदर जो फिगर है वो फिगर में लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ओके, क्लियर। देन ओपन फिगर किसे कहते हैं? ओपन फिगर वो फिगर होता है जिसकी स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट ये दोनों ही पॉइंट्स अलग अलग होती है, सेम नहीं होती, ठीक है, थीके? दोनों पॉइंट्स डिफरेंट होती है, ठीक है। यहाँ पे जैसे ये वाले डायग्राम में हमें दिख रहा है, जैसे इस वाले फिगर में हमें दिख रहा है, इसकी स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है पर एंडिंग पॉइंट यहाँ है, तो ये हमारा कैसा फिगर है? ये हमारा ओपन फिगर है, क्लियर। नेक्स्ट टर्म क्या है? नेक्स्ट टर्म अब हम समझेंगे कि पॉलीगॉन्स किसे कहते हैं, ठीक है, थीके? जो हमारा चैप्टर है पॉलीगॉन उसको हम समझेंगे, पॉलीगॉन कहते किसे हैं बेटा। तो पॉलीगॉन एक क्लोज फिगर होता है, एक क्लोज्ड फिगर है जिसमें मोर देन और फोर लाइन सेगमेंट्स पाई जाती है, ओके। सो पॉलीगॉन किसे कहते हैं बेटा? पॉलीगॉन इज अ सिंपल क्लोज्ड, ठीक है, पॉलीगॉन इज अ सिंपल क्लोज्ड फिगर, ठीक है, सिंपल क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय थ्री और मोर देन थ्री लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड पॉलीगॉन, ठीक है। तो पॉलीगॉन समझ में आ गया, पॉलीगॉन क्या होता है? जैसे देखिए यहाँ पे पॉलीगॉन को समझने के लिए, लाइक यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, ये हमारा एक लाइन सेगमेंट है, सपोज ये ए है और ये बी है। अब ये जो लाइन सेगमेंट है ये तो 180 डिग्री का एंगल बनाता है बेटा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस लाइन सेगमेंट को हमें क्या करना है? पॉलीगॉन में कन्वर्ट करना है। तो पॉलीगॉन में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तीन या तीन से ज़्यादा और लाइन सेगमेंट्स को ले सकती हूँ, ठीक है। सपोज मैंने यहाँ पर एक और लाइन सेगमेंट ले लिया ये, ठीक है, देन दूसरा लाइन सेगमेंट ले लिया ये, दूसरा लाइन सेगमेंट ले लिया ये, ओके, क्लियर। तो यहां मैंने तीन लाइन सेगमेंट ले लिया है, एक लाइन सेगमेंट मैंने लिया ए बी, ठीक है, देन दूसरा लाइन सेगमेंट मैंने लिया है ए सी, तीसरा लाइन सेगमेंट ले लिया मैंने सी बी, ठीक है। तो यहां पे कितनी लाइन सेगमेंट्स हो गए? यहां पे थ्री लाइन सेगमेंट्स हो गए, ठीक है ना, थ्री लाइन सेगमेंट्स होंगे, ठीक है। अब इस थ्री लाइन सेगमेंट से मिलकर मेरा यहाँ पे क्या बन गया? एक पॉलीगॉन बन गया, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, अब इसकी जगह पे मैं क्या कर सकती हूँ? तीन से ज्यादा भी ले सकती हूँ, ठीक है। तीन से ज्यादा कैसे लूंगी? जैसे एग्जांपल, यहाँ पे मैं
दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा एक फिगर बना के देखते हैं जिसमें तीन से ज्यादा, चार भी, पांच भी, छह भी, आप इस तरीके से साइड्स ले सकते हैं। ठीक है, आप इतनी लाइन सेगमेंट्स का यूज करके आप कोई भी एक क्लोज फिगर बनाए तो वो पॉलीगॉन कहलाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने एक ऐसा क्लोज फिगर बनाया जिसमें मैंने कितने लाइन सेगमेंट्स लिए हैं। आप खुद देखिए यहाँ पे मैंने कितने लाइन सेगमेंट लिए। ये मेरा फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स, ये सेवन और ये एट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कितने लाइन सेगमेंट लिए, यहाँ पे मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8। यहाँ मैंने 8 लाइन सेगमेंट का यूज करके मैंने यहाँ पे एक क्लोज फिगर बनाया। ठीक है, तो ये भी एक पॉलीगॉन ही है। मतलब पॉलीगॉन का मतलब सिंपल है बेटा, कि पॉलीगॉन का मतलब होता है कि मैं यहाँ पे तीन या तीन से ज्यादा, ठीक है, मेरा थ्री और मोर देन थ्री लाइन सेगमेंट का यूज करके मुझे एक क्लोज फिगर बनाना है और उसी क्लोज फिगर को मैं क्या बोलूंगी, पॉलीगॉन कहूंगी। क्लियर है, समझ में आ गई चीज। तो पॉलीगॉन को डिफाइन कैसे करेंगे बेटा, अ सिंपल क्लोज फिगर फॉर्म्ड ऑफ थ्री और मोर लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगॉन। ओके, देन उसके बाद देखिए यहाँ पे सेकंड क्या हमें जानना है, सेकंड हमें जानना है कि पॉलीगॉन्स के साइड किसे कहते हैं, पॉलीगॉन्स के वर्टेक्स किसे कहते हैं एंड पॉलीगॉन के डायगोनल्स किसे कहते हैं। ठीक है, तो तीन चीजें समझनी बेटा, साइड, वर्टेक्स एंड डायगोनल्स। समझ में आ गई चीज। अब देखिए यहाँ पर एक सपोज यहाँ पे मैं एक फिगर बना रही हूँ, एक पॉलीगॉन बना रही हूँ। ठीक है, इस तरीके से मैं एक फिगर फॉर्म कर रही हूँ। ठीक है, इस तरीके से मैंने एक फिगर फॉर्म किया, ए बी सी एंड डी। ठीक है, मुझे यहाँ जानना, अब यहाँ पे देख रहे हैं आप, मैंने यहाँ पे कितने लाइन सेगमेंट्स लिए, मोर देन टू, मोर देन थ्री लाइन सेगमेंट्स का यूज किया है मैंने। ठीक है, थ्री और मोर देन टू, मोर देन थ्री। ओके, सो यहाँ देखिए यहाँ पे कितने लाइन सेगमेंट्स हैं, यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट यहाँ दिख रहा है ये। ठीक है, फर्स्ट, देन सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ। यहाँ मैंने चार लाइन सेगमेंट्स का यूज किया और चार लाइन सेगमेंट का यूज करके मैंने यहाँ पे एक क्लोज फिगर बनाया जिसको मैंने यहाँ पे पॉलीगॉन कहा। ओके, अब देखिए इस पॉलीगॉन के साइड्स क्या होंगे बेटा। तो इस पॉलीगॉन्स के अगर मुझे साइड्स बताने हैं तो मैं साइड्स क्या क्या बताऊंगी। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट जो साइड मेरा बनेगा बेटा वो क्या होगा, वो क्या होगा, ये ए एंड बी। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट साइड होगा, मतलब जो आपकी लाइन सेगमेंट होगी ना, पहली लाइन सेगमेंट जो होगी वो आपकी एक साइड कहलाएगी। ओके, सो यहाँ पे साइड कौन कौन सी है, अगर मैं इस पूरे फिगर में साइड्स को देखूं तो देखो यहाँ पे साइड कौन कौन सी है। यहाँ पे साइड, पहली साइड है हमारे पास ए बी। ठीक है, ये फर्स्ट साइड है। ओके, दूसरी साइड मेरे पास क्या है, दूसरी साइड है मेरे पास बी सी। ठीक है, ये सेकेंड साइड है। तीसरी साइड कौन सी है मेरी, तीसरी साइड है मेरे पास सी एंड डी। ठीक है, तो सी एंड डी ये तीसरी साइड से। फिर उसके बाद फोर्थ साइड कौन सी बेटा, तो फोर्थ साइड है मेरे पास डी एंड बी, सॉरी डी एंड ए। ओके, तो ये मेरे पास चार साइड हो गए, कितने हो गए, फोर साइड्स हो गए। ओके, तो साइड किसे कहेंगे, पॉलीगॉन के साइड्स किसे कहेंगे बेटा, तो पॉलीगॉन के साइड का मतलब है जो मैंने लाइन सेगमेंट्स यूज किया है पॉलीगॉन को बनाने के लिए वही मेरे साइड्स कहलाएंगे। ओके, क्लियर है। उसके बाद देखो वर्टेक्स किसे कहेंगे, वर्टेक्स किसे कहेंगे, तो बेटा वर्टेक्स हमने पहले भी जाना है, वर्टेक्स किसे कहते हैं। यहाँ देखो जो दो साइड्स जिसका एक कॉमन पॉइंट हो, ठीक है, दो साइड्स के जो कॉमन पॉइंट होंगे वो वर्टेक्स ऑफ अ पॉलीगॉन कहलाएंगे। ठीक है, कैसे, जैसे यहाँ पे मैं अगर देखती हूँ पॉइंट ए को, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे पॉइंट ए को देखती हूँ तो इस पॉइंट ए पे दो लाइन सेगमेंट्स हैं, उसका कॉमन पॉइंट हमारा ए बन रहा है। कैसे, देखो एक अगर मैं देखती हूँ ए बी, ठीक है, अगर मैं एक साइड लूँ ए बी, ठीक है, एक अगर मैंने ए बी साइड लिया है तो ए बी साइड के अंदर यहाँ पे ए, दूसरी साइड अगर मैं ले लूँ डी ए, क्या ले लूँ डी ए,
ठीक है। तो अगर मैं दूसरी साइड ये, एक साइड ये और एक साइड ये, अगर मैं ये दो साइड्स ले लूं, ठीक है, ये दो साइड्स ले लूं, तो इन दो साइड का ये मेरा ए जो है वो देखो कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है ए और यहाँ पे भी ए आ रहा है, मतलब ये दो साइड्स में एक कॉमन पॉइंट हमें दिख रहा है जो पॉइंट है ए, ठीक है। तो दो साइड्स दैट मीन्स दो लाइन सेगमेंट्स अगर ज्वाइंट करते हैं किसी एक कॉमन पॉइंट पे तो वो पॉइंट हमारा पॉलीगॉन का वर्टेक्स कहलाता है, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को हम वर्टेक्स बोलेंगे, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गई चीज, क्योंकि यहाँ पे ए जो है वो दो साइड्स में कॉमन आ रहा है, ओके। उसके बाद देखो, उसके बाद थर्ड थिंग क्या जानना है, हमें साइड पता चल गया पॉलीगॉन का साइड किसे कहते हैं, हमें वर्टेक्स पता चल गया पॉलीगॉन का वर्टेक्स किसे कहते हैं, अब हमें जानना है कि डायगोनल्स किसे कहते हैं, ठीक है, डायगोनल्स क्या होते हैं पॉलीगॉन्स के, ओके। सो देखो, डायगोनल्स का मतलब क्या होता है, वो लाइन जो दो नॉन एडजेसेंट साइड को ज्वाइंट करे उसे हम क्या बोलेंगे, डायगोनल्स कहेंगे, ठीक है। लाइक यहाँ देखिए, अब इसको समझने के लिए हमें पहले एडजेसेंट साइड को समझना होगा कि एडजेसेंट साइड किसे कहते हैं, ओके। सो यहाँ देखो, एडजेसेंट साइड का मतलब क्या होता है, ओके। सो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे एडजेसेंट साइड किसे कहते हैं, टू साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन हैविंग अ कॉमन एंड पॉइंट, ठीक है, मतलब पूरे फिगर के अंदर कोई भी दो ऐसा साइड जिसका एक कॉमन एंड पॉइंट हो, ठीक है, तो हम उन साइड्स को एक दूसरे के एडजेसेंट साइड कहेंगे। कैसे, जैसे यहाँ पे देखिए, अगर मैं बात करती हूँ दो साइड्स की, दो लाइन सेगमेंट की, पहला लेती हूँ मैं ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी, एंड सेकेंड लेती हूँ बी एंड सी, ठीक है, बी एंड सी। अब यहाँ देखिए, अगर मैं ए एंड बी लाइन की बात करती हूँ, ठीक है, तो ये रहा ए और ये रहा बी, इसके बीच में जो ये लाइन बन रही है ये ए बी लाइन सेगमेंट है। अब इसकी जो एंडिंग है, ए बी लाइन सेगमेंट की एंडिंग यहाँ बी पॉइंट पे हो रही है, ठीक है, और अगर मैं बात करती हूँ बी एंड सी की, ठीक है, तो ये वाली जो लाइन है मेरी, इसकी भी एंडिंग इस पॉइंट पे हो रही है, ठीक है, तो ये साइड इस साइड के क्या हो गई, एडजेसेंट साइड कहला जाएगी, ठीक है, समझ में आ गई चीज। जैसे कि ये दो लाइन है ए एंड बी, तो ए और बी एंड बी और सी, इन दोनों में कॉमन पॉइंट यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, बी दिख रहा है, ठीक है, तो ये दोनों साइड एक दूसरे के क्या हुए, एडजेसेंट हुए, ठीक है। सो यहाँ पे आपको दिख रहा है बी जो है वो कॉमन है, तो ये दोनों साइड एक दूसरे के एडजेसेंट है। उसी तरीके से अगर मैं बात करती हूँ, अगर मैं बात करती हूँ बी एंड सी, एंड सी एंड डी की, ठीक है, किसकी, बी एंड सी, एंड सी एंड डी, ठीक है, मैंने दो साइड्स ये ले ली, एक तो ये बी सी ले लिया और दूसरा ले लिया डी सी, ठीक है, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड, इन दोनों साइड्स में कॉमन पॉइंट यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, सी दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे कॉमन सी दिख रहा है, तो ये दोनों साइड्स भी क्या हो गए, एक दूसरे के एडजेसेंट हो जाएंगे, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं देखती हूँ सी एंड डी की, ठीक है, सी और डी की बात करते हैं, एंड डी एंड ए की बात करते हैं, ठीक है, तो सी एंड डी ये वाली लाइन सेगमेंट, एंड डी एंड ए ये वाली लाइन सेगमेंट, इन दोनों लाइन सेगमेंट में डी जो है वो कॉमन आ रहा, देखो D कॉमन आ रहा है, तो ये दोनों साइड्स भी एक दूसरे के क्या हुए, एडजेसेंट साइड कहलाएंगे। तो एडजेसेंट साइड का मतलब समझ में आया, एडजेसेंट साइड किसे कहेंगे, एनी टू साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन हैविंग अ एंड पॉइंट, हैविंग अ कॉमन एंड पॉइंट, ठीक है, एनी टू लाइंस ऑफ अ पॉलीगॉन हैविंग अ कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड लाइन, इज कॉल्ड एडजेसेंट साइड, ठीक है। तो ये साइड इस साइड के क्या हुए बेटा, एडजेसेंट साइड कहलाएंगे, ओके ओके। सो एडजेसेंट साइड, आई होप आपको एडजेसेंट साइड जो है वो समझ में आ गया होगा कि एडजेसेंट साइड किसे कहते हैं, ओके। अब हम जानते हैं, अब देखिए ये सारे साइड्स तो एडजेसेंट साइड्स हो गए, ओके, देन उसके बाद देखो एक और एडजेसेंट साइड कौन सा बेटा मिसिंग चल रहा है यहाँ पे, यहाँ एक और एडजेसेंट साइड बन जाएगा, एक अगर मैंने ले लिया डी एंड ए और दूसरा ले लिया ए एंड बी, ठीक है, क्या ले लिया मैंने, डी एंड ए और दूसरा ले लिया मैंने ए एंड बी,
ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ए जो है वो कॉमन है, ठीक है, दोनों साइड में ए कॉमन है, तो ये दोनों साइड भी एक दूसरे के क्या है, एडजेसेंट है। तो ये चारों हमारे क्या है, ये सारे एडजेसेंट पेयर्स हैं, ठीक है, एडजेसेंट साइड्स के पेयर हैं। अब हमें जानना है कि इन साइड्स के अलावा जो जो दो साइड्स ऐसे जिनका कोई भी कॉमन एंड नहीं हो, ठीक है, तो वो आपके नॉन एडजेसेंट, इन साइड्स को छोड़ के बाकी जो साइड्स कहलाएंगी वो नॉन एडजेसेंट साइड्स कहलाएंगी। जैसे नॉन एडजेसेंट साइड्स में कौन कौन सी साइड्स आ जाएगी, नॉन एडजेसेंट साइड्स में हमारे पास आ जाएगा जैसे कि डी एंड ए, ठीक है। अगर मैं बोलूं डी एंड ए, ठीक है, ये वाला डी एंड ए ये साइड, और मैं बोल रही हूँ सी एंड बी, ठीक है, सी एंड बी। तो बेटा यहाँ पे कोई भी आपके पास कॉमन पॉइंट दिख रहा है क्या, ठीक है, कोई भी एक कॉमन पॉइंट नहीं दिख रहा है, ठीक है, डी और ए ये रहा और सी एंड बी ये रहा, ठीक है। तो ये दोनों क्या है बेटा, ये दोनों हमारे नॉन एडजेसेंट साइड्स कहलाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ डी एंड सी की, ठीक है, तो डी एंड सी, और वही बात करूँ ए एंड बी की, ठीक है, ए एंड बी। तो बेटा ये दो साइड्स डी एंड सी, ए एंड बी, ये दोनों साइड्स का भी कोई भी कॉमन पॉइंट दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा कॉमन, ठीक है। तो इन दोनों साइड में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं, इसलिए ये क्या हो गया हमारे, नॉन एडजेसेंट साइड कहला जाएंगे, ठीक है। तो एडजेसेंट साइड और नॉन एडजेसेंट साइड, ये दो चीज समझ में आई हमें कि एडजेसेंट साइड किसे कहेंगे और नॉन एडजेसेंट साइड किसे कहेंगे, ठीक है। ये हमारी एडजेसेंट साइड्स हैं और ये क्या है हमारी, नॉन एडजेसेंट साइड, ठीक है, क्लियर। तो एडजेसेंट एंड नॉन एडजेसेंट साइड, अब हमें जानना है कि डायगोनल्स किसे कहते हैं, ठीक है। डायगोनल्स को समझाने के लिए मैंने आपको पहले नॉन एडजेसेंट एंड एडजेसेंट साइड के बारे में समझाया, ओके, क्योंकि डायगोनल क्या होता है बेटा, डायगोनल्स हम किसे कहते हैं, तो डायगोनल पे मैं अगर लाइन ड्रॉ करती हूं बी से बी के तरफ, ठीक है, और दूसरी लाइन ड्रॉ करती हूं मैं सी से ए की तरफ, ठीक है, क्लियर। एक लाइन मैंने ड्रॉ किया, दो एडजेसेंट साइड, ठीक है, डी एंड बी, डी यहां है और बी यहां है, ठीक है। ये दो पॉइंट्स के बीच में जो मैंने लाइन ड्रॉ किया है ये लाइन कहलाएगी डायगोनल। तो यहां देखिए नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स, यहां मैंने किसको मीट करवाया, नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स, तो वो लाइन सेगमेंट जो दो नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स को मीट करवाए वो लाइन सेगमेंट कौन सी कहलाएगी, डायगोनल कहलाएगी, ठीक है। जैसे यहां देखिए डी एक वर्टेक्स है, बी एक वर्टेक्स है, ये दोनों नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स हैं, तो इनके बीच में जो मैंने लाइन ड्रॉ किया इसको मैं बोलूंगी डायगोनल, ठीक है। इसके अलावा सी यहाँ एक नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स एंड बी नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स, इन दो के बीच में जो मैंने लाइन ड्रॉ किया दैट इज ऑल्सो कॉल्ड डायगोनल्स ऑफ अ पॉलीगॉन, ठीक है। तो पॉलीगॉन का डायगोनल समझ में आया, डायगोनल किसे कहेंगे, पॉलीगॉन के वर्टेक्स किसे कहते हैं, पॉलीगॉन्स के साइड्स किसे कहते हैं, ओके, एडजेसेंट साइड किसको कहते हैं, और तो और नॉन एडजेसेंट साइड्स किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये सारे टर्म्स हमने इसमें अभी समझे। अब हम जानेंगे कि पॉलीगॉन्स भी कितने टाइप्स के होते हैं, क्लियर। टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन, पॉलीगॉन्स कितने टाइप्स के होते हैं, तो पहला जो टाइप्स है हमारा, फर्स्ट टाइप है हमारा ट्राइंगल, ठीक है। तो ट्राई एंगल, ट्राई का मतलब थ्री, ठीक है, और एंगल मतलब एंगल, ठीक है, ट्राई का मतलब थ्री, ओके। तो ऐसा क्लोज फिगर जिसमें थ्री एंगल्स बने, ठीक है। अब देखिए, मतलब ऐसा पॉलीगॉन जिसके थ्री साइड्स हो, उन पॉलीगॉन को हम ट्राइंगल्स कहते हैं, ठीक है। लाइक इस तरीके से ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बेटा यहाँ पे साइड्स कितनी है, तो थ्री साइड्स हैं। कौन कौन सी साइड है, पहली साइड है हमारे पास, कौन कौन सी साइड है, तो फर्स्ट साइड है हमारे पास ए बी, सेकेंड बी सी एंड थर्ड वन है सी ए, ठीक है। यहाँ पे थ्री साइड्स हमें दिख रही हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ओके। थ्री साइड्स, a closed figure having a three sides, three angles and three vertex,
ऐसे क्लोज फिगर को हम कौन सा पॉलीगॉन कहेंगे? ट्रायंगल पॉलीगॉन कहेंगे, ठीक है, जिसके थ्री साइड्स हो गए। अब थ्री एंगल कौन कौन से हैं, देखिए एंगल्स लिखते हैं, थ्री एंगल्स कौन कौन से हैं। अगर मैं पहले इस वाले एंगल की बात करूं जो कि ए पॉइंट पे बन रहा है, तो ये एंगल मैं लिखूंगी एंगल सी ए बी, ठीक है, सेंटर वाला एंगल, ओके, ए पे एंगल बन रहा है। देन सेकेंड एंगल कौन सा बन रहा है, अगर मैं बोलूँ सी वाले एंगल की बात करूँ, सी पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है, उसके लिए मैं लिखूंगी ए बी एंड सी, ठीक है, बी पे एंगल बन रहा है। थर्ड वन इज अगर हम बात करते हैं सी वाले पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है उसकी, तो ए सी एंड बी, ठीक है। तो यहाँ पे थ्री साइड्स हो गए, थ्री एंगल हो गए, और थ्री वर्टेक्स कौन कौन से बेटा, तो वर्टेक्स कौन कौन से हैं, तो यहाँ देखिए फर्स्ट वर्टेक्स मेरा है ए, सेकंड है बी, थर्ड वन इज सी। इस ए पॉइंट पे दो लाइन सेगमेंट्स आ रही हैं, एक तो सी ए और एक बी ए, ठीक है। बी पॉइंट पे दो लाइन सेगमेंट्स आ रही हैं, एक सी बी और दूसरी ए एंड बी। सी पॉइंट पे दो लाइन सेगमेंट्स आ रही हैं, एक आ रही है आपकी ए बी एंड दूसरी है बी एंड सी, ठीक है। तो यहाँ पे तीन वर्टेक्स हो गए, तीन एंगल्स हो गए, तीन साइड्स हो गए, ठीक है। तो जिस पॉलीगॉन में थ्री एंगल्स हो, थ्री साइड्स हो, थ्री वर्टेक्स हो, वो पॉलीगॉन हमारा ट्राइंगल कहलाएगा, ठीक है। अगर वही हम बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल्स की, तो क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है बेटा, क्वाड्रिलेटरल्स द पॉलीगॉन हैविंग अ फोर साइड्स, ठीक है। ऐसा पॉलीगॉन जिसके पास कितने साइड्स हो, फोर साइड्स हो, ठीक है, चार साइड्स होनी चाहिए। लाइक ये फर्स्ट पहली साइड, ठीक है, दूसरी साइड, थर्ड देन फोर्थ, ठीक है, ए बी सी डी, चार साइड्स दिख रहे हैं हमें। अब ये जो क्लोज फिगर है वो क्या है, क्वाड्रिलेटरल। चार साइड्स हैं, चार एंगल्स हैं एंड फोर वर्टेक्स भी हैं, ठीक है। तो ऐसा पॉलीगॉन हमारा कौन सा पॉलीगॉन कहलाएगा, क्वाड्रिलेटरल पॉलीगॉन कहलाएगा, ओके, ठीक है। ये चीज समझ में आई, क्वाड्रिलेटरल पॉलीगॉन्स किसे कहेंगे, जिसके फोर साइड्स होते हैं। वही अगर हम बात करते हैं पेंटागॉन की, ठीक है, तो बेटा पेंटा, पेंट वर्ड, पेंट मींस फाइव, ठीक है, पेंट मींस फाइव। तो ऐसे पॉलीगॉन्स, द पॉलीगॉन्स हैविंग अ फाइव साइड्स, ठीक है, ऐसे पॉलीगॉन जिसके फाइव साइड्स हो वो कौन सा पॉलीगॉन कहलाएगा, पेंटागॉन कहलाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे यहां देखते हैं, ओके, सो देखिए फाइव साइड्स, वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है, ए बी सी डी ई, ठीक है। ये जो पॉलीगॉन बना, ये जो क्लोज फिगर बना, ये पेंटागॉन बना बेटा। पेंटागॉन कैसे, क्योंकि इसमें फाइव साइड्स है, पहली साइड, दूसरी, तीसरी, चौथी एंड पांचवी, ठीक है। तो फाइव साइड कौन कौन सी है, ए बी, देन बी सी, उसके बाद सी एंड डी, देन डी एंड ई, ठीक है, लास्ट ई एंड, लास्ट ई एंड ए, ठीक है। तो यहां हमारे पास फाइव साइड्स हैं, फाइव साइड्स का मतलब यहां पे फाइव एंगल्स भी बनेंगे और फाइव ही वर्टेक्स भी प्रेजेंट है, क्लियर, ठीक है। तो ये फिगर पेंटागॉन कहलाएगा, ओके। उसके बाद यहां पे क्या है, हेक्सागॉन। बेटा हेक्सागॉन क्या होगा, अ पॉलीगॉन हैविंग अ हेक्सा मींस सिक्स, ठीक है, पेंट मींस फाइव, हेक्स मींस सिक्स, ओके। सो ऐसा पॉलीगॉन जिसमें कितनी साइड्स हो, छह साइड्स हो, ठीक है, सिक्स साइड्स का जो पॉलीगॉन होगा वो हमारा कौन सा पॉलीगॉन कहलाएगा, हेक्सागोनल पॉलीगॉन कहलाएगा। यहाँ पे हेक्सागॉन कैसे बनाएंगे हम, देखो हेक्सागॉन में कितनी साइड्स होनी चाहिए, छह साइड्स होनी चाहिए, ठीक है, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स,
ठीक है। अब यहाँ देखो ए बी सी डी ई एफ कितनी साइड्स हो गई, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 छह साइड्स हो गई, ठीक है। छह साइड्स हो गई, दैट मीन्स 6 साइड का क्लोज फिगर, इसको हम क्या बोलेंगे, हेक्सागन बोलेंगे। छह साइड्स हैं तो 6 एंगल्स भी होंगे, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंगल, ठीक है। 6 साइड, 6 एंगल्स एंड 6 वर्टेक्स, ठीक है। ये किसका फिगर है, ये हमारे हेक्सागन का फिगर है, क्लियर। उसके बाद देखिए बेटा नेक्स्ट है हेप्टागॉन। नेक्स्ट क्या है हमारा, हेप्टागॉन। ओके सो हेप्टागॉन देखिए यहाँ पे, हेप्ट मीन्स बेटा, हेप्ट मीन्स 7, ठीक है। हेक्स मीन्स 6, हेप्ट मीन्स 7, मतलब ऐसा पॉलीगॉन, द पॉलीगॉन हैविंग अ 7 साइड्स, ठीक है। 7 साइड्स होंगी तो उसे हम हेप्टागॉन बोलेंगे। 7 साइड्स कैसे बनाएंगे हम, देखिए 7 साइड कैसे बनेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अगर मैं इस फिगर में साइड्स काउंट करूं तो देखिए फर्स्ट साइड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन। यहाँ पे कितनी साइड्स बन रही है, 7 साइड्स बन रही है। 7 साइड का मतलब 7 साइड का क्लोज फिगर, इसको हम क्या बोलेंगे, हेप्टागॉन बोलेंगे, ठीक है। 7 साइड्स हैं मतलब यहां पे मैं नेमिंग दे रही हूं इन साइड्स की, ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। साइड्स लिखूं तो देखिए यहां पे साइड्स कौन कौन सी बन रही है, पहली साइड ए बी, सेकेंड साइड बी सी, थर्ड वन इज सी डी, फोर्थ वन इज डी ई, फिफ्थ ई एफ, सिक्स्थ एफ जी एंड लास्ट 7th जी एंड ए, ठीक है। तो ये कितनी साइड्स हो गई है, 7 साइड्स हो गई। 7 साइड्स मतलब यहाँ पे साइड्स के बीच में यहाँ एंगल भी 7 बनेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 7 एंगल्स बनेंगे, 7 वर्टेक्स होंगे एंड 7 साइड्स होंगे, ठीक है। तो ऐसे फिगर को हम क्या बोलेंगे, ऐसे फिगर को हम हेप्टागॉन बोलेंगे, क्लियर। तो हेक्सागॉन, हेप्टागॉन। अब लास्ट क्या बचा बेटा हमारा, ऑक्टागॉन। ऑक्टा मींस मतलब, ऑक्ट मींस 8, ठीक है। ऑक्ट का मतलब क्या होता है बेटा, 8। ओके सो यहां देखिए ऑक्टागॉन कैसे बनेगा हमारा, ऑक्टागॉन कैसे बनेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7 एंड 8 देखिए इस तरीके के 8 साइड्स से मैंने एक क्लोज्ड फिगर बनाया जिसको ऑक्टागन बोला। ये पहली साइड, ये दूसरी, ये तीसरी, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन एंड एट। कितनी साइड्स हो गई, 8 साइड्स हो गई। नेम देते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। ओके तो यहाँ पे 8 साइड्स हैं, 8 एंगल्स भी बनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, ठीक है। 8 एंगल्स, 8 साइड्स, 8 एंगल्स एंड 8 वर्टेक्स, ठीक है। तो ऐसे क्लोज फिगर को हम ऑक्टागॉन बोलेंगे, क्लियर। समझ में आ गई चीज, किस तरीके से हम ये सारे जितने भी हमारे पॉलीगॉन्स होते हैं उनको हम किस तरीके से उनके फिगर्स को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। उसका मतलब क्या होता है, ट्राई, ट्राई मीन्स, अब देखिए इसको लर्न करने के लिए मैं फिर से आपको रिवाइज करवा देती हूँ।
एक बार फिर से देख लेते हैं। यहां देखिए ट्राई, ट्राई मीन्स बेटा थ्री, ठीक है। तो ऐसा साइड, ऐसा पॉलीगॉन जिसपे कितने साइड्स हो, थ्री साइड्स हो, ओके। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल्स, क्वाड्रिलेटरल मतलब फोर साइड्स। उसके बाद पेंटागॉन, पेंटागॉन, ठीक है। सो पेंट, पेंट मीन्स बेटा फाइव साइड्स, पेंट मीन्स फाइव, ठीक है। पेंट मीन्स फाइव, क्वाड्री लेटरल्स में क्वाड्री मीन्स फोर, ट्राई मीन्स थ्री, ओके। देन हेक्स मीन्स सिक्स, ओके, हेक्स मीन्स सिक्स। हेप्ट, हेप्ट मीन्स सेवन, ठीक है, सेवन। ऑक्ट, ऑक्ट मीन्स एट, ठीक है, ओके। सो ऐसे पॉलीगॉन्स जिसमें थ्री साइड्स हो वो ट्राइंगुलर कहला जाएंगे, ट्राइंगल कहला जाएंगे। ऐसे पॉलीगॉन्स जिसमें फोर साइड्स हो क्वाड्रिलेटरल्स कहला जाएंगे। ऐसे पॉलीगॉन्स जिसमें फाइव साइड्स हो पेंटागॉन कहलाएंगे। ऐसे पॉलीगॉन्स जिसमें सिक्स साइड्स हो वो हेक्सागॉन कहलाएंगे। ऐसे पॉलीगॉन्स जिसमें सेवन साइड्स हो वो हेप्टागॉन कहलाएंगे। और ऐसे पॉलीगॉन्स जिनमें एट साइड्स हो वो ऑक्टागॉन कहलाएंगे, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर लेना, पेंट मीन्स फाइव होते हैं, हेक्स मीन्स सिक्स, हेप्ट मीन्स सेवन एंड ऑक्ट मीन्स एट, ठीक है, क्लियर। तो ये हमने पॉलीगॉन्स के जितने भी टाइप्स होते हैं उनको हमने कंप्लीट किया। अब हम आते हैं अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे, ओके।